actually we just entered in the Manmohini. We just entered in the Manmohini and we are so excited, and it's pleasure to us with part of Z Parivar. And Dadi, I am also like so excited ki Z Parivar se hum log jude hue hain, so I feel too good. डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है कि जी अपना जी का फंक्शन है, और जैसे कि हम लोग पूरा दिन शूट करते हैं, शाम को जी रिश्ते अवार्ड्स में भी जाना है, पार्टी में जाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, सो डेफिनेटली, बट बहुत एक्साइटमेंट भी रहती है कि हाँ चलो जाना है यार, सबसे मिलेंगे. जी माई फेवरेट शो इज़ मनमोहिनी. Yeah. No doubt. Definitely Kumkum Bhagya. That's my favorite show because I like Sriti. I like her acting. Thank you. Okay. कुछ नहीं. बहुत खास है हमारे. We are just excited and to see all of you all. That's the most important thing. मनमोहिनी. क्वाइट अ फ्यू शोज ऑल हैव देयर ओन यू नो चार्म. सो सी एवरीवन इज स्पेशल. यू कैन जस्ट सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू. बाय. Being an actor, Zee Rishte Awards is very important, and first of all, this is my first Zee Rishte Awards, so I'm very, very, very excited about it. Celebrate करने का obviously एक मौका मिलता है, and when you're working in such channel like Zee is the oldest channel, I must say, this is the first channel after this thing, so this is the only time we all get together and enjoy, so let's enjoy it without saying anything. No, it should be from my show only. I would say Rena. Yeah. I would go for Kundli Bhagya. I would definitely go for Shraddha. I love her. Thank you. So it will be my first Zee Rishte Award because I have recently joined Manmohini, and I'm quite excited. English. Acha. I was like, main English mein to bol rahi hu. Theek hai.
तो मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ और फर्स्ट जी रिश्ते अवार्ड्स है. सो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि जुमे जुमे ऑनेस्टली चार दिन हुए हैं अनन्या प्ले करते हुए. सो बट आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट मोर थिंग्स. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ इट ऑल हैपन्स एंड वॉट व्यूअर्स आर थिंकिंग ऑफ मी एज अनन्या एंड वॉट रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग. सो वो अवार्ड्स के थ्रू पता चलता है हमें कि एक्चुअली कितना प्यार मिल रहा है. सो या आई एम एक्साइटेड. मुझे पर्सनली जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो मेरे दूर दूर के फ्रेंड्स रिलेटिव्स उन लोगों से भी आ रहे हैं और जो मेरे फैंस हैं ऑन इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक. सो दे आर पर्सनली मैसेजिंग मी और लाइक डायरेक्ट मैसेजेस पे दैट दे आर लविंग द कैरेक्टर. इट्स नो लाइक इट्स नॉट लाइक एनी अदर कैरेक्टर ऑन टेलीविजन की यू नो सीधी सी प्यारी सी वो जो एक टिपिकल हीरोइन होती है. अनन्या इज़ नॉट दैट. शी इज़ गोल्ड, शी इज़ सेल्फ मेड गर्ल एंड सो अच्छा लग रहा है और डिफरेंट कैरेक्टर है देन एज आई सेड मोस्ट ऑफ द अदर. इवन जो मैंने खुद जो किरदार निभाए उन सबसे बहुत अलग है. सो मुझे पर्सनली अच्छे फीडबैक सारे अभी बाकी, मुझे अवार्ड्स के थ्रू पता चलेगा. कौन कौन से नॉमिनेशंस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ? फॉर मी यू टॉकिंग? ओके, सो शो के लिए आई एम रियली एक्सपेक्टिंग इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर ऑलरेडी देयर जिन्होंने कंटिन्यू किया है 2.0 में. सो दैट्स देवकी दाई और हमारी जो है मनमोहिनी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अवार्ड्स फॉर देम. और मेरा और करम का आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें न्यू मेम्बर अवार्ड तो मिल ही जाना चाहिए. आज का आउटफिट, सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी सिक टुडे. मैं मोस्टली आई वॉज लाइक ओके बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम. सो मैं जैसे जैसे अपने आपको मना के आई हूँ, आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मैंने अपनी वार्डरोब से ही एक ड्रेस पिक किया है एंड आई हैव जस्ट कम लाइक दिस. I want this girl. Come here. My new daddy in town. जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इट्स माई फर्स्ट रेड कार्पेट एवर इन एनी थिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. बहुत नए लोग मिलने वाले हैं मुझे. सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. जी रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है एक्चुअली. सबको ही शो बहुत पसंद आ रहा है, कहानी पसंद आ रही है और सब कुछ उनको फ्रेश और नया लग रहा है. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सुनकर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट द रिस्पॉन्सेज फॉर द फर्स्ट वीक. फ्रॉम आर शो, वेल आर शो डेफिनेटली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ नॉमिनेशंस बट इट्स जस्ट स्टार्टेड. सो मैं देख रही हूँ अभी क्या कितना हो सकता है, पर शायद जितना मुझे सुनने में आ रहा है शायद है समथिंग रिलेटेड टू फ्रेश फेस. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. मैं रिसेंटली तो मैंने गुड्डन में एक गेस्ट अपीयरेंस किया था एंड द वाइब देयर वाज रियली अमेजिंग. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम विनिंग सम अवार्ड्स.
जी तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है एक्चुअली. मैंने किसी स्टाइलिस्ट के साथ कोलैबोरेट नहीं किया. कुछ ही टाइम पहले मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था ये कहकर कि किसी दिन कुछ बड़ा इवेंट या फंक्शन होगा तो ये पहनना. तो मैं मम्मी का गिफ्ट पहन कर आई हूँ आज. थैंक यू. Thank you. It's a nomination night. Looking at, I hope I'm nominated for something in some segment, of course. It's going to be a fun-filled evening. I'm going to meet everybody. And for the, I don't know what all they have planned inside. I really don't know. मैं सिर्फ अपने शो से प्यार करती हूँ. I do not want to be diplomatic or I do not want to be nice in front of the camera. I would pray कि मेरे शो को ज़्यादा नॉमिनीज मिले. I think we have really really worked hard. Manmohini is not an easy show. So I really want कि best show के नॉमिनी में आए और उसको अवार्ड मिले बिकॉज द टीम हैज रियली वर्क हार्ड. बनारस का सेटअप है और मोहिनी आपको सुनंदा के रोल में दिखाई देगी. शी इज गोइंग टू बी सुनंदा एंड शी इज गोइंग टू बी इन अ डिफरेंट अवतार डिफरेंट रोल. And there are two new faces that have been introduced in the show, and they look nice. They're looking fresh. I've seen. Have you guys seen the episode? No. So once we are hoping that audience loves this avatar of Manmohini. So ab mujhe nahi pata, jahan tak maine dekha hai, mujhe bahut maza aa raha hai kaam karne mein. It's a very simple jumpsuit. I just wanted to keep it simple and comfortable. Yeah. Thank you. सिद्धार्थ. अच्छा ओके. बहुएं. थैंक यू सो मच. हंड्रेड % तो ऑफ कोर्स बिकॉज हर बार जी की थीम होती है कि हम कुछ और. पिछली बार हमारे यहाँ शादी थी, इस बार भी कुछ आई थिंक हमारे लिए सरप्राइज है. बट देन वील कम टू नो लिटिल सून. पर बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज यही मौका होता है कि हम सारे जो परिवार के लोग होते हैं, जी परिवार के लोग हम साथ में होते हैं. सो या और एक खास बात है जी की कि जी सबसे ओल्डेस्ट चैनल है. exactly. और इस बार जी रिश्ते में एक होगा कि जो पुराने जो शोज थे उनको रीवैम करके आपके सामने लाया जाएगा. आई डिडंट नो दिस. यस ओके. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जी रिश्ते आपके लिए लाने वाला है. सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बस ये बोल रही है कि तुम्हारा नॉमिनेशन होने वाला है 3-4 कैटेगरीज में. तुम्हें हुआ था और मैं बोल रही हूँ कि इस बार आपका हम नॉमिनेट भी होंगे और हम परफॉर्म भी करेंगे. और शर्त ये होगी कि हम साथ में परफॉर्म करेंगे. तीनों बहुए साथ में करेंगे. एग्जैक्टली. So there's this good in family over there. पूरी टीम आई है. लुक के बारे में एक्चुअली दुर्गा दी जो है वो बहुत ही हॉट लग रही है. आई कैन. और सहरिश अली तो एकदम परी जैसी लग रही है. लक्ष्मी बहू हमारी. हम डिसाइड करके आए और हमारी दादी आई है. दादी. हम दादी से पूछेंगे. हाँ की प्यारी बहू है ये. आप सबको पता ही है बहुत प्यारी है. दादी आप हमें डांटेंगी तो नहीं ना कि आज हम साड़ी वाड़ी में नहीं आए. दादी इज लुकिंग सो प्रिटी.
सो लुक आज यही है कि लुक में ही है लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है एंड दैट्स हाउ इट इज परफेक्ट. ठीक है, सी यू गाइस. थैंक यू. ओके शामिल. श्वेता का फोन कर सारे कैटेगरीज क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की है अनडाउटेडली. एक साल हो गया, एक साल से ज़्यादा हो गया शो को एंड टेक्नीशियन से लेकर सारे कास्ट. लास्ट ईयर भी हम नॉमिनेटेड थे एंड आई होप दिस ईयर भी हम नॉमिनेटेड रहे. करेक्ट करेक्ट. गर्ल मैंने तो अपनी करियर की स्टार्ट ही जी टीवी से की थी एंड ये मेरा सेकेंड शो है जी के साथ एंड ये मेरा अभी तक का लॉन्गेस्ट रनिंग शो है. तो ऑब्वियसली वेरी हैप्पी कि मेरा जी के साथ इतना अच्छा हमेशा रहा है एंड इस शो में बहुत एप्रिसिएशन मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो जी के साथ हमेशा मेरा अच्छा रहा था. आई विश कि मैं और नेक्स्ट शो भी जी के साथ करूँ. अगेन या दिस इज़ ऑल्सो माई सेकेंड शो विद जी टी वी एंड यू नो इट फील्स लाइक अ फैमिली. हम लोग गुड इन के सेट पे जाते हैं, वी हैव अ माहा एपिसोड एंड यू नो इट्स लाइक अ फैमिली एंड नाउ वी ऑल नो ईच अदर. और यू नो जी रिश्ते अवार्ड्स के बहाने ही से ही हम सब की मुलाकात होती है. सो हम दोनों मतलब काफ़ी हमने दिवाली इवेंट में भी परफॉर्म किया था, काफ़ी सारे इवेंट्स में साथ में परफॉर्म किया है. होपफुली जी रिश्ते अवार्ड्स में भी हम करेंगे. कुछ चीज़ें सरप्राइज रहने तो शायद अच्छा लगे बाद में अचानक से न्यूज़ आए तो. यशो वेल मैंने जैक पैंट्स पहने हैं सस्पेंडर के साथ. आई नो बेल्ट के साथ सस्पेंडर नहीं जाता, दैट्स नॉट द लुक, बट मुझे अच्छा लग रहा था एंड आई थॉट कि लेट्स वो थोड़ा सा ऐसी let's try and experiment something. So I tried belt with suspender and look अच्छा लग रहा है. casual हूँ मैं आज, वैसे भी blazer के mood में नहीं था. मुंबई में नवंबर चल रहा है guys, नवंबर है but फिर भी यहाँ गर्मियाँ हैं, ठंडी है ही नहीं. And I think matching the theme, glamour है, glitter है, so I also thought you know this so I'm just wearing a black gown. Thank you guys. Yeah. Hi. जी रिश्ते जब नाम आता है तो जब रिश्ते जो निभाने की जो बात है कि जितने शोज जी पे चलते हैं, जितने भी एक्ट्रेस हैं, उनमें जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कितने हम लोग क्लोज हैं. क्योंकि जब शूट चलती है तो मिलने का मौका नहीं मिलता है. वी हार्डली गो आउट, वी ऑलमोस्ट शूटिंग एवरी डे. तो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी ऑल द होल फैमिली जी फैमिली मीट. तो उसका एक मज़ा ही अलग है एंड देन वी हैव लॉट ऑफ फन ऑल्सो द सेम टाइम.
बहुत स्पेशल फील करते हैं। देखिए आप जब किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ काम करते हैं, स्पेशली जी आई थिंक इज़ द ओल्डेस्ट नेटवर्क वी हैव इन इंडिया, तो उसका हिस्सा होना अपने आप में बहुत स्पेशल फील होता है, क्योंकि बचपन से जब होस्ट संभाला तो जो चैनल दिखा सबसे पहले डीडी के बाद वो जी था, तो आई फील रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई हैव नो आइडिया, वो तो जो है जो ज्यूरी है वो डिसाइड करेगी, बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आउटफिट, दिस इज अ थ्री पीस सूट बेसिकली। कुछ ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा मेरे जो डिज़ाइनर हैं सर पे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ अच्छा पहनने को दीजिए, तो एक ये सूट उन्होंने दिया, क्योंकि शूट के दौरान एज आई टोल्ड यू कि बहुत कम वक्त मिलता है कि कुछ हम जाके शॉपिंग करें कुछ करें। दैट्स इट, थैंक यू, गॉड ब्लेस। या ऑब्वियसली आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल बिकॉज एक्चुअली दिस इज माई वेरी फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमारा जो नया शो आ रहा है दिल्ली जिद्दी है, और बहुत ज़्यादा होप्स है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम नर्वस टू, बिकॉज इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम ऑन अवॉर्ड्स एंड लेट्स सी, आई होप इट विल बी रियली फन। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, लाइक बहुत सारी कैटेगरीज है वैसे तो, आई एम होपिंग फॉर बेस्ट जोड़ी, I'm hoping for a newcomer, and let's see how it goes. Yeah, obviously I'm feeling very special because Zee ke jo audience hai bahut amazing hai, and being part of Zee I feel really blessed to be a part of Zee, and kyunki hamara show ek bahut hi alag league se hatkar show hai and audience kafi pasand kar rahi hai show ko, so I am hoping for the best and very excited for the evening today. Thank you so much. Thank you. Yeah, कलर्स में जा चुका हूँ और बाकी अवार्ड्स में जा चुका हूँ, बट आई एम वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी बिकॉज जी रिश्ते बहुत पुराना रिश्ता है, और रिसेंटली मनमोहिनी मैंने जी का ही किया था, तो इट फील्स लाइक अ फैमिली एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट। या जी 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 मैम, बहुत सारी मेमोरीज हैं एक्चुअली में, लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर कसम आल्सो ऑफ बालाजी, तो टीवी का एक रिश्ता अलग हो जाता है, और मेमोरीज तो बहुत सारी हैं अवार्ड्स में जब डांस परफॉर्मेंस होता है बैक स्टेज पे और सामने सपोर्टिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक स्पेसिफिक कर दूंगा तो पार्शियल हो जाऊंगा, बट यस बहुत सारी हैं और अच्छा लगता है व्हाटएवर द आई थिंक इट्स काइंड ऑफ गैदरिंग ऑफ द फैमिली, बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लेसेस पे शूट करते हैं और मिलने का मौका चाहिए होता है, और हम इंडियंस तो हैं वैसे ही कि खुशी बांटने का मौका चाहिए, स्पेशली मुझे, सो जहाँ होता है वहाँ टपक जाता हूँ। दैट्स इट जी। देखिए मैं एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी काम मैंने अभी तक किया है चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, और वनराज का कैरेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया, और आई होप सो कि आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर नेगेटिव एंड बिकॉज इट वाज इनिशियली पॉजिटिव फिर टर्न नेगेटिव हुआ, बट अच्छा लगा, बट आई होप फिंगर क्रॉस फॉर द बेस्ट। यार माई टू फिल्म्स आर कमिंग अप इन डिसम्बर, वन इज़ धड़के दिल बार बार एंड वन इज़ हॉन्टेड हिल, सो आई एम बिजी इन प्रमोटिंग द फिल्म, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, एंड मुझे पर्सनल वार्डरोब से मुझे एक चीज़ ये मिली, एक डिज़ाइनर की पैंट मिली, एक डिज़ाइनर की टी शर्ट मिली, सो आई जस्ट मिक्सड इट अप एंड केम हियर फॉर द शो। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली हमारी नॉमिनेशन पार्टी है, आज हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे शो से या बाकी सारे शो से अलग अलग कैटेगरीज़ में कौन नॉमिनेट हो रहा है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जैसे कुछ लोग जो है जो नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं, कुछ लोग जो है डिफरेंट तरीके के रोल कर रहे हैं, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नहीं नहीं मेरी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं है अभी तक।
हमें बोला गया था कि थोड़ा जी रिश्ते हैं तो आपको थोड़ा सा इंडियन लुक रखना है, तो मैंने एक सिंपल सा अनारकली ड्रेस पहना हुआ है और आप देख सकते हैं मेरे आजकल छोटे बाल मैंने काटे हुए, तो उसी पे टोंग किया हुआ है। थैंक यू। I think so. I'm pretty excited about it, first of all. The reason being because I'm actually going to be part of it for the first time for Zee Rishte Awards. And this is my first time working with Zee and the first time being in Zee Rishte Awards. So I'm pretty excited about it. See, I'll be very honest with you. I don't, you know, look after this nominations and winning awards. What I look after is my performance and my work. So that's my priority. See, there are lots of good shows on television, on Zee and other channels. So there are lots of good shows. So yeah, I mean, that's it. I'm sorry. I've been asked for it, so I'm still thinking on it. As per my shooting schedule, so I'm still thinking on it. Most welcome. Thank you. I'm part of Ye Teri Galiya. So I think हमारे shows में जितने भी characters हैं they are nominated. So wish us luck and thank you so much. Bye. Thank you.
देखो जी रिश्ते अवार्ड्स है तो अपना चैनल है एंड अपने रिश्तों के लिए हम सेलिब्रेशन के लिए ऑफकोर्स इस अवार्ड शो पे उसकी पार्टी पर पहुँचे हैं सो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. ये हमें तो नहीं बोल रहे हैं. अच्छा तो जी रिश्ते अवार्ड्स नॉमिनेशन पार्टी है ये और जहाँ तक रिश्तों की बात की जाए हमारा जी टीवी के साथ रिश्ता एक साल से ऊपर हो चुका है. एक साल से ऊपर ही रिश्ता हो चुका है तो हमारी एनिवर्सरी रिसेंटली हुई थी 3 सितंबर को और मुझे लगता है बहुत ही ट्रेजर्ड मेमोरीज हैं और जी रिश्ते जी के जो रिश्ते हैं जो हमारे रिश्ते बने हैं हमारी दलजीत के साथ रिश्ते बने हैं जो रिश्ते बने हैं वो बहुत स्पेशल हैं एंड या इट्स बीन अ वेरी मेमोरेबल जर्नी. मैं सारे नॉमिनेशंस एक्सपेक्ट कर रही हूं. मैं बता रहा हूं बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्टर बेस्ट जोड़ी बेस्ट सॉन्ग एक-एक करके बात करते हैं. सुनो बेस्ट बेटी बेस्ट मैं सब कुछ हूं ना क्योंकि मैं बेटी भी हूं मैं बहू भी हूं मैं सास भी हूं मैं माँ भी हूं मैं सब बन गई हूं. तो मुझे एक अवार्ड बनेगा कॉल्ड बेस्ट डैश वो बेस्ट डैश वाला अवार्ड करने का मान को मिलना चाहिए. हां मतलब बेस्ट अवार्ड सो इसलिए मैं यार पता नहीं आई रियली डोंट नो फिंगर्स क्रॉस वी होप शी डज बट या इवन वी वांट हर टू बैक लेट्स सी. देखो सौतन हो तो ऐसी हो वरना हो ही ना. मैं बताऊं मतलब अगर लाइक बुला रही है खुद से आ जा घर में आ जा तुम्हारे बिना मजा नहीं आ रहा. तुम्हारा पति तुम्हारा पति तुम्हें बहुत मिस करता है. नमक मिसिंग है घर में बहुत मिस करता है तुम्हारा पति तुम्हें. ये देखो ये है प्यार इसे कहते हैं असली प्यार. So accommodating. और मैं कितनी adjusting हूँ. हाँ बिल्कुल सैंडविच बन के खुश हो तुम. So yes. Yeah. चलो. All right. Thank you guys. Thank you. Bye. क्या यहाँ पे क्या? Oh my God! ये तो देखो जरा. Hi. How are you? Hotness. Hi. Hello. How are you? अच्छा जिंदली नाम आता है मेरे. How are you doing? इतने प्यारे लग रही हो लड़की. थैंक यू. कर लो से कम. हाय हॉस्टल्स. अच्छा सब पहले इनकी ये तो क्या है यहाँ पे फोटो. अरे आप लोगों के साथ भी तो रिश्ता अच्छा रहा है हमारा. कभी हमारे रिश्ते के बारे में बात कर लो यार. थोड़ा सा कैमरे के पीछे जो है थोड़ा मुस्कुराओ यार.
कुछ ठंडा चाय पानी मिला है नहीं मिला है पक्का देखो यार हर साल जी रिश्ते के लिए हम एक्साइटेड होते हैं भले दो साल से कोई अवार्ड नहीं मिला हो लेकिन कोई बात नहीं लेकिन कोई बात नहीं नॉमिनेट हो जाती हूँ इसमें मेरी खुशी है बेस्ट आंसर यू आर गोइंग टू गेट फॉर दैट क्वेश्चन आई स्वेयर टू गॉड ऑनेस्ट या सो हर साल नॉमिनेट हो जाते हैं वो बहुत बड़ी बात है एंड शुक्रगुजार हूँ खुदा का इस बात के लिए और हर साल पूरी जी फैमिली एक साथ आती है टुगेदर जैसे सारे हैंडसम लोगों से मिलने का मौका मिलता है दोबारा जिंदगी में पता नहीं हम इतनी मुलाकात नहीं होती क्योंकि सब बिजी रहते हैं शूट पर तो यह एक्साइटमेंट लेवल बहुत है और इस साल तो यार अवार्ड मिलना ही चाहिए क्या बोलते हो तुम्हें नहीं मिलेगा तो मैं हूँ आज मैं ऑस्कर की ट्रॉफी बन के आई हूँ और अगर इसे नहीं मिलेगा आई होप मिल जाए तो मैं तुम्हें घर ले जा सकती हूँ मैं इसके साथ घर जा रही हूँ आई एम द ट्रॉफी बेस्ट पार्ट है एक ही स्टाइलिस्ट ने हमें स्टाइल किया है आज शैलजा सो शैलजा थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी लुक लाइक अ बार्बी डॉल एंड मी लाइक अ ट्रॉफी या सो बेसिकली सी वी बोथ कम फ्रॉम अ फैशन वर्ल्ड तो हमें बोला जाता है कि यू नो थोड़ा सा क्या संस्कारी बोला जाता है कि थोड़ा सा घरेलू ड्रेसअप होके बट आई थिंक दिस इज अ स्टाइल स्टेटमेंट एंड शी लुक्स अमेजिंग इन दिस You looking beautiful. That too I always do. Achha. Okay. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. They ask me to. तू लोग सब कुछ चक्कर आ रही तू इतना घूम रही Stunning, yeah, both of you are looking absolutely lovely. Hi guys, how's everyone? Koi sawal nahi, okay. They're all staring at me, yeah. Visual, sab ladkiyon ke piche, ye pata tha mujhe. Pata tha yehi hone wala hai. Honestly, sach bolu, I'm not very excited, yaar. My partner in crime is not here. Because I'm very awkward with award functions. I'm very awkward generally when itne sare log meri tasveer khichte. So my partner in crime, who normally gives me company, is not here. But I've got a lovely partner as well, Tunisia. So I'm going to catch up with her inside. So not too excited, not too bad. Let's see how it turns out. Chakka chon ka matlab kya hota hai? No. Main ye nahi kahunga ki fame nahi pasand karta. Dekhiye, zahir si baat hai. Being famous अच्छा लगता है लेकिन award function में मैं थोड़ा awkward feel करता हूँ I'm not my forte यानी क्या कहते हैं forte को हिंदी में क्या कहते हैं what's forte strength मेरी ताकत award functions नहीं है यार देखिए again I'll be very honest उम्मीद तो है deep down चाहे जो भी आपको कहेंगे उम्मीद तो रहती कि we win something I win personally बट मेरा मानना है कि जो सही होगा जिसके लिए वो अवार्ड जायज़ होगा उसको मिलेगा जो जायज़ नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा थैंक यू गाइज थैंक यू I'll be very honest, excited है लेकिन हमारा शो जो है वो ऑफ एयर जा चुका है तो आई डोंट नो अंदर क्या होने वाला है वो अंदर जाके पता चलेगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में लेकिन जब तक अंदर जाऊंगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा काफ़ी स्पेशल है क्योंकि
काफ़ी साल पहले मैं उसका पार्ट था और इस बार फिर राजा बेटा के लिए मैं इस बार पार्ट हूँ उसका, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। थैंक यू। मैं अभी वापस आया हूँ दिवाली की छुट्टी से, मेरा शो भी गया तो उसके बाद ही पता चलेगा। आज फर्स्ट डे, इनफैक्ट आज सुबह ही मैं आया हूँ वापस। थैंक यू। ज़्यादा स्पेशल फील करता हूँ यार, 2.5 साल हो गए इस शो को एंड मुझे भी 2.5 साल हो गए इस शो के अंदर, तो बहुत ही अच्छा फील करता हूँ टू बी पार्ट ऑफ सच अ शो, सच अ नाइस प्रोडक्शन है, सच अ नाइस चैनल। फील्स वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो विद सच अ लवली कास्ट। इट फील्स लाइक होम। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो रिश्ता है मेरा और जी टीवी का, ये इतना लंबा होगा, इतना लंबा चलेगा। क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इस शो में कास्ट हुआ था, बट थैंक यू जी टीवी, थैंक यू एकता मैम, थैंक यू बालाजी टेलीफिल्म्स इस रिश्ते को निभाने के लिए। जी से बेहतर आई थिंक कोई नहीं जानता कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, यू नो ही केम फॉर सच अ शॉर्ट टाइम नोइंग कि कम इतने कम टाइम के लिए एंड सडनली ही इज़ बीन द मेन चार्म ऑफ कुंडली भाग्य। एंड ऑल्सो आई टेल यू वाइज फनी थिंग, समीर नाम का कोई कैरेक्टर पहले था ही नहीं शो में। इट वॉज समीर नाम का कोई कैरेक्टर पहले शो में था ही नहीं। अच्छा। सो द राइटर्स रोड द कैरेक्टर इन द थर्ड एपिसोड, मेरी एंट्री 6th एपिसोड से हुई। सो दैट वॉज ऑल्सो लाइक अ बिग ब्रेक, मेरे लिए कैरेक्टर लिखा गया था। आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ नाइस शो। एंड जितनी भी फीमेल फैंस है कुंडली भाग्य की, तो वो आई थिंक क्रेडिट जाता है अभिषेक कपूर को, क्योंकि जैसे अभिषेक कपूर के सीन आता है तो सारी यू नो फीमेल फैंस जो है कुंडली भाग्य की, वो चैनल चेंज ही नहीं करती है। सारे सी आई रियली वांट टू विन द बेस्ट शो इंडिविजुअली, चलो मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट जो हमारी टीम है कुंडली भाग्य आई फील डिजर्व्स टू बी इन द बेस्ट शो एंड डिजर्व टू विन द अवार्ड। सो आई एम रियली होपिंग कि अगर हमारे को ये अवार्ड मिलता है तो मैं बहुत खुश हूँ। बाकी जिस चीज़ को भी मिले इट्स अ टीम वर्क, एंड मेरे शो से किसी को भी मिले मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए, एंड मुझे भी मिले तो मैं बहुत खुश हूँ। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। यार द शो इज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल बाय द ऑडियंसेस एंड इट्स डूइंग वेरी वेल ऑन द टीआरपीज आल्सो। सो उससे पता चलता है कि ऑडियंसेस को हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है। सो अगर कोई शो इतना पसंद आता है तो जाहिर सी बात है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी कैटेगरीज में हमें नॉमिनेशंस मिले, तो क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। सो ये बोलना गलत नहीं होगा कि जब एक एक्टर या फिर कोई टीम इतनी मेहनत करती है तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो हार्डवर्क है, उनका जो टैलेंट है, वो अप्रिशिएट किया जाए। एब्सोल्युटली। सो वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि हम सारे लोग नॉमिनेट हो जाए एंड बेस्ट शो मिले, बेस्ट शो मिले, बेस्ट शो इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Fit. Fit. Ashlisha.
जी परिवार का हिस्सा बनके डेफिनेटली इट्स वसुदेव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज माय फैमिली सो या बहुत अच्छा लग रहा है इट्स ऑल लव एंड परिवार के तो हर जगह जाना सेलिब्रेट करना मस्ती करना दैट्स व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू मुझे तो अपने परिवार में जाके इतनी खुशी नहीं मिली थी जितना जी परिवार में मिल रही है क्या बताऊं आपको कृष्णा स्पीक्स पता ही हम सारे मुझे फेवरेट पिता का भी मिल सकता है पता ही जितने ज्यादा लोग होते हैं द मोर द मेरियर इजंट दिस सच अ लवली लॉट टू हैव एब्सोल्युटली नॉमिनेशंस होंगे ही पता है बट डेफिनेटली अभी ये पता नहीं किसका है क्या है लेट दैट बी अ सरप्राइज अंदर जाके कुछ तो रखना चाहिए यू नो सो या Thank you. Thank you. Thank you. क्या पकड़ा? ये तो थोड़ी बोलना चाहिए. इधर. Ready? हाँ चलो roll. आ जाइए. थैंक यू सो मच एंड एक्चुअली अभी कास्ट पूरी नहीं हुई है शो के दो मेन मतलब कि जान शगुन और सहबान अभी मिसिंग हैं कैन यू बिलीव द वुमेन हैव कम एंड द मेन या दे हैवंट या लाइक दे टेक मोर टाइम देन अस टू गेट रेडी सो इट्स ओके और आज एक्चुअली मैं इतना फ्लेरी गाउन पहन के आई हूँ बट मेरे ड्रेस पकड़ने वाले है ही नहीं सिंस यू नो आवर शो इज ऑल अबाउट द राब्ता दैट वी ऑल हैव सो ऑफ कोर्स यू नो बेस्ट परिवार आई थिंक वी डिजर्व इट यस यस वी डू हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है एंड आई रिमेंबर एक साल इतनी जल्दी बीत गया बिकॉज लास्ट ईयर जी रिश्ते के वक्त दौरान हमारा शो शुरू हुआ था एंड नाउ यू नो वी आर बैक ऑलरेडी अ ईयर Yeah, we have a new family. Yeah, we have. Yes. बहुत अच्छा लगता है यार. It's a very positive feeling all together. Family ही है. Yeah. Family है हमारी. हाँ, actually. इसका इसका बनना तो और भी ज़्यादा खुशी होती है. Yes. okay, so let's come to the main mudda. She is styled by Priyanshi and Shagun Pandey in and as Atharv. Atharv Bapad. So yeah, she is styled by him. I would say more than her. मुझे स्नेहा ने style किया है and बस I've tried to do something and different. She has this. Yeah, I have. I will take credit for that. Thank you. Bye. Enjoy. Bye.
प्रेशर बिल्कुल नहीं है, जी तो एक परिवार है, तो और परिवार में आने के लिए कभी प्रेशर नहीं होता, बल्कि मज़ा आता है। मतलब सब लोग हैं अंदर, सबसे मिलना होगा, बहुत दिनों के बाद सबको एक साथ इकट्ठा मिलना होगा, तो इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। जी हाँ, एक्सपेक्ट तो हाँ कर रहा हूँ, तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो लेट्स सी। हाँ देखिए, हूँ तो मैं दुश्मन सबका, क्योंकि विलेन हूँ, तो हाँ दुश्मन का कुछ अवार्ड मतलब नॉमिनेशंस वगैरह कुछ तो होगा। लेट्स सी। जी थैंक यू। तो हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ थोड़ा कुछ यूनिक करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ, तो दिस इज़ आई एम वेयरिंग, इट्स स्टाइल्ड बाय माय फ्रेंड एंड इट्स अ बारकोड प्रिंट एज यू कैन सी, ब्लैक एंड वाइट, एंड आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट विथ माय काइंड ऑफ ज्वेलरी लाइक द रिंग्स एंड द इयररिंग एंड माय लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट हेयर स्टाइल। तो या सब मिला के कुछ तो अलग सा हो, अच्छा सा हो। ही इज़ अ गुरुदेव, तो आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ, बट येस ही इज़ डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर नॉट जस्ट मी, फॉर एवरी वन। सो येस फील्स गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है आज हमारे शो को 1.25 साल हो गया, खैर, एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस शो एंड होप टू सी इट्स अ गुड पार्टी एंड देखते हैं आगे क्या होता है। भाई प्यार करते रहो जी रिश्ते में, बस यही हम सबसे ऑडियंस से कहेंगे कि हमें प्यार करते रहो, जिस तरह हमारे शो को यहाँ तक लेकर आए और प्यार करते रहे, बट दैट्स इट, दैट्स ऑनेस्टली, थैंक यू। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने नया शो ज्वाइन किया है, सो बहुत खुश हूँ, नया है बट स्टिल एक्साइटमेंट है। फिलहाल मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे लेकर, क्योंकि आई जस्ट ज्वाइन द शो, बट बाकी सबको लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे शो में से क्योंकि जो अम्मा हैं वो नॉमिनेट हुई हैं आई गेस, सो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट शो है, कहाँ मैं इंटरनेट बेस्ड लव स्टोरी कर रही थी, ये टोटली यू नो इट्स अ मुस्लिम शो, सो ऑब्वियसली जर्नी बहुत प्यारी है, और हर शो की कोई ना कोई एक जर्नी ज़रूर होती है, इस शो की एक अलग जर्नी होगी, सो अरे थैंक यू सो मच। लुक मेरा कुछ मैंने ज़्यादा कुछ इस बार किया नहीं, मैं बहुत सिंपल बन के आई हूँ, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Yeah, yeah, yeah.
यार नॉमिनेशन हो और खुशी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है. बहुत खुश हूँ, मेरे दांत बता रहे हैं कि मैं कितना खुश हूँ. वेरी वेरी हैप्पी यार. जी के साथ एक ऐसा एसोसिएशन है कि जब भी नॉमिनेट, दिस इज़ माय थर्ड नॉमिनेशन एंड आई हैव बीन वर्किंग, इट्स बीन मोर देन अ डेकेड आई हैव बीन वर्किंग विद जी टीवी. सो आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई कांट कंटेन माई हैप्पीनेस. आई एम नॉमिनेटेड, दे ऑलवेज, जी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी काइंड, वेरी जेंटल टू मी. मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक एक ही कैटेगरी में नॉमिनेटेड हूँ मैं, जस्ट इन वन कैटेगरी आई एम नॉमिनेटेड. एक ही बहुत है यार. और बट इट्स गुड, इट फील्स ऑलवेज स्पेशल टू बी पार्ट ऑफ जी इन एनी वे. सब चीज़ में अच्छा लगता है. थैंक यू, थैंक यू. नॉमिनेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, होपफुली नॉमिनेशन हो शायद किसी कैटेगरी में. अब अंदर जाके पता चलेगा कि किस किस कैटेगरी में नॉमिनेशन है और इट्स अ लीड अप टू द अवार्ड्स. सो जाहिर सी बात है बहुत एक्साइटमेंट है, पूरा परिवार, जी परिवार यहाँ पर है तो बहुत मस्ती आएगी सब लोगों के साथ. मेरे ख्याल से उस प्यार की वजह से शायद कुछ नॉमिनेशन हो. अब देखो, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑडियंस आई एम हियर. एंड लंबी जर्नी थी, अभी भी चल रही है. एंड इट्स बीन वेरी फ्रूटफुल, बहुत ही मज़ेदार जर्नी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला. और इस शो की वजह से, मतलब जिस तरीके का माइलस्टोन इस शो ने सेट किया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम. आई लाइक कुमकुम, आई लाइक कुंडली, इश्क सुबहानअल्लाह वॉज रियली नाइस. सो या ओके, थैंक यू, थैंक यू.